जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रेमन है सर, मैं नेपाल से हूँ सर। रेमन जी, आज क्या कौन सी डे की क्लास है आज? आज भी उसी का क्लास 2 है सर, क्लास 2 डे का। 2 डे की क्लास है, मतलब दूसरे दिन की क्लास है ना? जी सर। तो आपने क्या क्या किया है थोड़ा बताइए। सर आज हमारा ब्लैक पेस्टेड का CPU माउंट रिमाउंट करने जा रहा हूँ सर मैं। तो ये पेस्टेड है या नॉर्मल? ब्लैक पेस्टेड है सर। ब्लैक पेस्टेड, यस सर। तो आपने इतनी बड़ी तरीके से क्लीनिंग की है, रिमोट जी सर। कल आपने MMC भी निकाला? MMC भी निकाला सर। तो कोई प्रिंट जा रहे हैं? नहीं जा रहा है सर, यहाँ का तिरिक से नहीं जाएगा सर जी। तो जो आपको जो सर ट्रिक्स बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो सारा चीज कोडिंग वाइज आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप सर। तो आपका अभी हैंड स्किल का पूछूं तो क्या उसका हैंड स्किल इम्प्रूव हो रहा है सर? पहले से बहुत ज़्यादा हो गया अभी तो जी। अभी तो आप और भी क्लास है सर, अभी और भी बाकी हैं। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर टेलीकॉम सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सौरभ मालागार, मैं MP से हूँ। सौरभ जी, आज क्या क्लास चल रही है आपकी? सर आज हमारे पेस्टेड CPU ऐसे निकालना काम था हमारा जी। MMC की सेकंड डे की क्लास, सेकंड डे की क्लास थी जी। और आज हमने ये देखिए आपके सामने बोर्ड में से निकाला, साफ किया इसी बोर्ड से। कल MMC भी निकाला? यस सर, इसमें MMC निकाला था हमने। और आज आपने CPU निकाला है? तो ये पेस्टेड या नॉर्मल? पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड है। ब्लैक पेस्टेड, हार्ड वाला ग्लू है। तो ये इतने बढ़िया तरीके से आपने क्लीनिंग की है, समझ में आ गया सर का पेस्टेड था कि क्या नॉर्मल है। मिलान सर के जो ट्रिक है उस कारण हम ये कर पाए जी। तो मेरे को लगता है हाँ ट्रिक वैसी है, हम नहीं कर पाते। जो सारा चीज आपको बता रहे हैं सर, तो आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा, तभी तो किया है जी। तो अभी हैंड स्किल का क्या है? बहुत बढ़िया, आप प्रैक्टिस करेंगे हम और से ऊपर जाएंगे जी। अभी और भी दिन बाकी, दिन बाकी है। अभी दो ही दिन हुए। हाँ तो चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है, मैं पंजाब से हूँ। अर्जुन जी, आज कौन से देखिए क्लास है? आज हमारा MMC का दूसरा दिन है जी। और सुबह हमारी थ्योरी की क्लास थी, अभी हम प्रैक्टिकली ब्लैक पेस्टेड CPU निकाल रहे हैं जी। तो जो सर जो पढ़ा रहे हैं जो, और हैंड स्किल की बात करें तो फिर आपका क्या कैसा है आज? आज तो दूसरा दिन है, और दूसरे दिन में हैंड स्किल काफ़ी ज़्यादा सुधर गया जी। और आगे तो 4 दिन और बाकी हैं, और अभी तो आप इसी में काम करने वाले हैं ना? जी। तो और आज हमने मिलान सर की एक ट्रिक से IC को जल्दी साफ़ कर लिया, कल बहुत टाइम लगा था। 20 सेकेंड वाला आज आपको पता चला जी। इसके लिए थैंक्स टू मिलान सर जी, एंड थैंक्स टू एशिया टेलीकॉम। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जितेंद्र है, मैं UP से हूँ, गोरखपुर से जी। क्या क्लास चल रही है आपकी? आज हमारा सर MMC का क्लास था, और सर ने MMC की सेकेंड की क्लास है जी। MMC का सेकेंड क्लास आज था, और देख सकते हैं ब्लैक पेस्टेड CPU आज निकाले हैं, और क्लिंग करके रिवॉल्व भी किए हैं जी। और ये भी क्लास थ्योरी का भी क्लास चला है, जो कि कैसे डंप फाइल लेते हैं MMC का, कैसे MEI राइट करते हैं। मिलन सर ने पूरा अच्छी तरह बताया है, और सारी चीज़ समझ में आ गई। समझ में आ रहा है आपको जी सर। तो आप अभी आपका हैंड स्किल कैसा है? हैंड स्किल सर अभी तो पहले से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और अभी तो क्लास अभी भी और आगे चलेगा, आगे भी अभी चलेगी आपकी, यही होगा कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप ब्लैक पेस्टेज में काम करने वाले और आगे भी जी सर। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू मिलन सर जी। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम महेश है। सर आज हमारे पेस्टिंग IC के CPU को आज रिमूव करना था। MMC की सेकेंडरी की क्लास है, सेकेंडरी के क्लास है। तो सही अच्छी तरह से हमने रिबोर्डिंग भी की, और पेस्टेड भी अच्छे से निकाला पूरा पेस्टेड पूरा। ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने CPU निकाला है, पेस्टेड जैसा लग ही नहीं रहा है ऐसा आपने क्लीनिंग नहीं सर, पेस्टेड है, ब्लैक पेस्टेड है, ब्लैक पेस्टेड। आपने कल MMC भी निकाली थी। तो अभी हैंड स्किल कैसा है आपका? अभी तो एकदम बढ़िया सर। कोई प्रिंट जा रहा है? नो सर, प्रिंट भी नहीं, और एक ही बॉल जो कोई डॉट। आपका हैंड स्किल इंप्रूव हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है सर। अभी तो और आगे भी काम करेंगे आप, है ना? अभी तो बहुत सी क्लासेस बाकी हैं, क्लास बाकी है, आपको ब्लैक पेस्टेड में ही काम करना है। तो ऐसे टेलीकॉम में तो हर एक दिन का प्रोग्रेस होता रहता है जी, हर एक दिन। तो जो सर का थ्योरी है, जो बताने का तरीका है हैंड स्किल की बात करें, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है? हाँ सर, सारा समझ में आ रहा है, इसलिए ये सब काम कर पा रहे हैं। इससे पहले करते थे क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।
जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशेर सिंह है। और शमशेर जी, आज क्या किए हैं? मैंने आज ब्लैक पेस्टेड सीपीयू निकाला है और उसको रिबॉल किया है, ग्लू कट करके। आज ईएमएमसी की आज सेकेंडरी की क्लास है? यस सर, आज हमारी ईएमएमसी की सेकेंडरी की क्लास है। उसमें हमने जो सीखा है ईएमएमसी की हेल्थ कैसे चेक करना है, और जो ईएमएमसी का आइडेंटिफाई करके खराब है या नहीं खराब है वो उसके ट्रिक सीखे हैं। और अभी आपने सीपीयू भी निकाला है? यस सर, मैंने सीपीयू रिबॉल। तो ये ब्लैक पेस्टेड आपने सीपीयू निकाला है, तो कोई फ्रेंड व्रेंड जा रहे हैं क्या आपके? नहीं सर, ये वीवो का बोर्ड है, और आपको पता ही है वीवो का बोर्ड का ग्लू जो कितना हार्ड होता है। जी हार्ड होता है। मैंने जो मुझे मिलन सर ने बताई थी, ट्रिक बताई थी जी, उससे मैंने जो निकाला है वो प्रिंट नहीं गया कोई भी। जी, तो जो पढ़ाया जा रहा है, जो ट्रिक बताए जा रहे हैं, वो सारा चीज़ आपको समझ में आ रहे हैं? हाँ हाँ, वो समझ में बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे से। तो हैंड स्किल आपका इंप्रूव हो रहा है? हाँ यस सर, बहुत पहले से। तो दूसरे दिन की क्लास है, और भी आगे भी क्लासेस बाकी है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, और भी ज़्यादा। कल जो ट्रिक बताया था उस आज उससे भी जो फास्ट है ग्लू कट करने का, वो हमारे मिलन सर ने ट्रिक बताया था उससे मैंने किया, और बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया, और 10-12 सेकंड में अंदर क्लीन हो गया सीपीयू पूरा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हमराज पटेल है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। तो क्या क्लास चल रही है आपकी? सर, हम लोग का भी सीपीयू ब्लैक पेस्टेड सीपीयू रिवॉल्व करने का क्लास चल रहा है। कल आपका ईएमएमसी भी? हाँ, कल ईएमएमसी भी निकाले? हाँ, कल ईएमएमसी निकाले कर। तो और आज नॉर्मल था या पेस्टेड? नहीं, ब्लैक पेस्टेड था सर। ब्लैक पेस्टेड था ये वाला, देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने निकाला भी है और रिवॉल्विंग भी कर दी है। तो कोई फेड वेड जा रहे हैं? नहीं नहीं, कोई फेड नहीं जा रहा है अभी तक, तो कोई भी फेड नहीं गया है। तो आपका हैंड स्किल अभी कैसा है? हैंड स्किल तो मतलब बहुत सुधर गया है काफ़ी। जी, जो सर, जो सर की जो थ्योरी है बताने का, जो उनका जो ट्रिक है, वो आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा सारा चीज़ समझ आ रहा है, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं सर, और वो भी अच्छे से समझा रहे हैं, पूरा समझ आ रहा है। आप ये ईएमएमसी सीपीयू में ब्लैक पेस्टेड का काम कर पाते हैं? नहीं, कभी मैं देखता था ना, दूसरों का देखता था, तो मैं सोचता था कि वो लोग कैसे कर पाते हैं करके, लेकिन अब जब से आयशा टेलीकॉम ज्वाइन किए हैं तब से मतलब अपने हाथों से कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दीपक है। जी, क्या क्लास थी आज आपकी? ईएमएमसी की सेकेंड डे की क्लास थी सर आज हमारी। जी, तो सर का जो पढ़ाने का तरीका है बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया? हाँ सर, सारा चीज़ समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ समझ में आ रहा है सर। ये हमने आज सीपीयू क्या किए उसके बाद? सीपीयू पेस्टेड सीपीयू रिवॉल्व किए सर हमने आज। पेस्टेड या व्हाइट पेस्टेड है या क्या? नहीं, ब्लैक पेस्टेड सर। ब्लैक पेस्टेड है? हाँ सर। तो ये देख सकते हैं इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से निकाला है, क्लीनिंग भी किया है, रिबॉल भी कर लिए हैं। तो कोई आपका प्रिंट व्रिंट जा रहा है क्या? कोई प्रिंट निकल रहा है क्या? प्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन, पूरा क्लीन। कल आपने ईएमएमसी भी निकाला? हाँ, ईएमएमसी कल रिबॉल की। तो अभी हैंड स्किल आपका इम्प्रूव हो रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ सर, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं पंजाब लुधियाना से हूँ। सुनील जी, क्या क्लास चल रही है आपकी? आज हमारी क्लास चल रही है सीपीयू की, ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को। ईएमएमसी की कौन सी है? की ईएमएमसी की सेकेंडरी क्लास है? यस, सेकेंडरी क्लास है। तो आज आपने क्या सीपीयू निकाले हैं? यस सर। तो ये पेस्टेड है या नॉर्मल? ये सर वीवो का हार्ड पेस्टेड है, ब्लैक पेस्टेड है। और इन्होंने क्लीन भी बहुत अच्छे तरीके से करके रिवॉल्व किए हैं। इसके पहले आपने कल ईएमएमसी भी निकाले? ईएमएमसी भी निकाला था, तो ये यहाँ की ट्रिक की वजह से ही मैं निकाल पाया। इससे पहले प्रिंट प्रिंट निकल रहे हैं काफ़ी? नहीं सर, प्रिंट तो कोई नहीं निकला। कोई नहीं निकला? हाँ। तभी हैंड स्किल का क्या है? हैंड स्किल सर पहले तो बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा। हाँ, पहले तो कुछ ना के बराबर था, अभी कुछ नहीं मालूम था, कोई भी जैसे हीट मारते थे कंपोनेंट उड़ जाते थे, आईसी उड़ जाता था। जी ठीक है, तो अभी हमको ऐसी नॉलेज, ऐसी ट्रिक मिली है कि हम आपके सामने ही हैं, इजीली कर पाएंगे अब, है ना? जी सर। और अभी तो अभी आपको डेली काम करना है? अभी डेली तो अभी बहुत सारे काम करेंगे। जी सर, तो पूरा हाथ क्लियर होगा। थैंक यू फॉर एशिया टैलेंट। जी, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम पहलवान है और मैं सर झारखंड से आया हूँ। जी, तो क्या क्लास है आज आपकी? जी सर, आज ब्लैक पेस्टेड सीपीयू निकाले हैं। जी, ब्लैक पेस्टेड ईएमएमसी भी निकाले? जी सर, कल ईएमएमसी निकाले था, आज ये। तो खाली आप ब्लैक पेस्टेड सीपीयू ईएमएमसी निकाल रहे हैं या थ्योरी भी कुछ पढ़ा रहे हैं आपको सर? थ्योरी भी है सर, थ्योरी उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी किया जा रहा है। जी, तो आपको जो सर पढ़ा रहे हैं, जो बताया जा रहा है ट्रिक्स वगैरह, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है? जी सर, इतना सिंपल बता रहे हैं कि सबको समझ में। जी जी,
तो अभी मैं हैंड स्किल की बात करूं तो अभी हैंड स्किल आपका इंप्रूव हो रहा है? जी सर, बहुत इंप्रूव हुआ जी दो दिन में आपका। कोई प्रिंट प्रिंट जा रहे हैं क्या? जी जी नहीं सर, कोई भी प्रिंट नहीं जा रहा जी। तो अभी तो आपकी और भी क्लासेस बाकी जी है, सर अभी क्लास और भी बाकी है तो और भी यह हो जाएगा जी। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू एशिया टेलीकॉम एंड थैंक यू एशिया टेलीकॉम सभी मैम ये को जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम कपिल है, मैं मेरठ से हूँ। कपिल जी आज क्या क्लास चल रही है आपकी? मेरी दूसरे दिन की एम सी क्लास है, ब्लैक पेस्टेड एम सी तार के लगाना। कल एम सी लगाई, एम सी तारा था हमने, ब्लैक पेस्टेड आज सी पी यू तारा है। आज सी पी यू सी पी यू, हाँ इसी बोर्ड से आपने एम सी भी निकाले थे। तो ये पेस्टेड बोर्ड है या कौन सा? क्या ब्लैक पेस्टेड बोर्ड है? ओप्पो A37 ब्लैक पेस्टेड है, सबसे हार्ड किलो आता है, हमने इस पे स्टार्टिंग किया। तो आपका इससे पहले आप करते थे काम? नो सर, आज पहली दफ़ा, मैंने कल पहली दफ़ा किया था, आज दूसरी दफ़ा कर रहे हैं। तो कोई प्रिंट व्रिंट जा रहे हैं आप? नो सर, देखो आपके सामने प्रिंट कहीं गए हैं ही नहीं। तो आपको जो सारे खाली आप इसी में काम कर रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं? थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं सर, सुबह थोड़ी थ्योरी थी, अब मैंने ब्लैक पेस्टेड सीपीयू उतारा है जी। तो जो सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा तरीका है सर का पढ़ाने का। थैंक यू ऐसे टेलीकॉम, थैंक यू मिलन सर, थैंक यू देव सर। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर हेमंत है, मैं अजमेर से आया हूँ। हेमंत जी आज क्या क्लास चली आपकी? सर आज ये ब्लैक पेस्टेड की क्लास थी, ब्लैक पेस्टेड जी और सेकेंड डे की क्लास है, सेकेंड डे की। तो आपको क्या बताया गया आज? आज ये ब्लैक पेस्टेड सी पी यू उतारा है और उसको रिबोन करके सर वापस लगाया। इससे पहले आप करते थे? नहीं सर, इससे पहले कुछ नहीं करता था। और अभी आपने कल MMC भी निकाला तो कोई प्रिंट व्रिंट गए के? नहीं प्रिंट नहीं गए सर, प्रिंट रहेगा CPU निकाले। तो आप, मैं हैंड स्किल की बात करूं तो हैंड स्किल आपका इंप्रूव हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है सर, हैंड स्किल। जो सर का पढ़ाने का जो तरीका, पढ़ाने का तरीका बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा है? स्टेप बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू, वेलकम सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम चंचलानी, सतना MP से। विक्रम जी क्लास क्या चल रही है आपकी? ये हमारी ब्लैक पेस्टेड जो IC कल MC CPU का हमने ब्लैक पेस्टेड जो है रिमूव किया था, आज हमने CPU पे काम किया ब्लैक पेस्टेड जी। ये अच्छी तरीके से हमने इसको निकाल किया और रिबॉल कर दिया इसको जी। तो आपने ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से क्लीनिंग किया है, रिबॉल भी करके रखे हैं। तो कल आपने MMC भी निकाली थी इसी बोर्ड से? जी AMC भी, आज आपने CPU भी निकाल दिया। तो इससे पहले आप करते थे? इसके पहले मैंने इस लेवल पर कभी काम नहीं किया, कभी रिबॉलिंग। तो दो दिन में इतना सब चीज़ कैसे? सर बस ये मिलन सर का जो ट्रिक बताए हैं, यहाँ की जो ट्रिक्स हैं, यहाँ की ट्रिक जो है, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है जी? सर कोडिंग बाई कोडिंग जी। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू मिलन जी। क्या नाम है आपका? समाधान। समाधान जी क्या क्लास चल रही है आपकी? और सर ब्लैक पेस्टर CPU क्लास चल रही थी जी, MMC की सेकेंड डे की क्लास है। हाँ तो आपने क्या ब्लैक पेस्टेड CPU निकाले? हाँ सर। तो ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने निकाला है, क्लीनिंग भी कर लिए हैं। तो कल आपने इसी से MMC भी निकाले थे? हाँ सर। तो आप इससे पहले काम करते थे क्या ब्लैक पेस्टेड का? नहीं करते थे? नहीं सर। आप इससे पहले काम नहीं करते थे और आपने कल MMC निकाला, CPU निकाल दिए, तो कोई प्रिंट व्रिंट जा रहे हैं क्या? नहीं सर, कोई प्रिंट नहीं जा रही सर जी। तो इतना सब चीज सफाई से ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? मिलन सर की स्ट्रीक है सर जी, और एशिया टेलीकॉम की स्ट्रीक है सर जी। तो उसी ट्रिक से आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उसको? हाँ सर। तो सारा चीज़ समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फ़ोन टीचर से, फ़ोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए, और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है? तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी।